अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी देने लगी हूँ, जो कि शनवारी कढ़ाई ओरिजिनल किस तरीके से बनती है। बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टफुल, माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही इजी ओरिजिनल मेथड के साथ मैं आपको ये रेसिपी देने लगी हूँ। तो आएँ व्लॉग स्टार्ट करते हैं मेरे किचन में। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे एक पॉट ले लिया था, उसमें तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने ऑयल डाला था। ऑयल मैंने ज़्यादा डाला था, बाद में आप चाहें तो डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, मतलब निकाल लें उसको, फिर किसी और में यूज़ कर लें, इतना वो ख़राब नहीं होता। तो मैं तो अक्सर निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना चिकन मुझे फ्राई करनी हो, मतलब ऐसे इसको अच्छे तरीके से फ्राई करनी होती है, तो इसलिए इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। खैर मैंने भी निकाल लिया था फिर बाद में ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल, मैंने जो है ना तकरीबन चिकन था मेरा आधा किलो से कुछ कम था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने चिकन को अच्छे तरीके से जो है वो रेडिश सा ब्राउन कर लिया था, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने इसमें टमाटर हाफ हाफ करके ना कट करके इसमें डाले थे, ठीक है। इसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाल के ना, तो इसको थोड़ा सा ना फ्लेम मीडियम टू लो पर रख दिया था, ठीक है, ताकि जो है ना टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो फिर इनका जो है वो जो छिलका है ना वो ईजिली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अक्सर मैं ये करती हूँ कि मैं निकाल लेती हूँ टमाटर, ठीक है। लेकिन मैं आपको ना ये ओरिजिनल जो कढ़ाई जिस तरीके से बनती है ना, इसलिए मतलब मैं तो अपनी आसानी के लिए ये करती हूँ कि टमाटर निकाल के ना उनको थोड़ा सा ठंडा करके, तो फिर अच्छे तरीके से उनका छिलका रिमूव करके तो वापस डाल देती हूँ। लेकिन इस बार जो है ना मैंने जिस तरीके से कढ़ाई बनती है ना, तो वैसे ही मैंने आपको जो है वो ओरिजिनल मेथड देना ज़रूरी समझा। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना सारा टमाटर का छिलका जो है वो रिमूव कर दिया था, ठीक है। इसके बाद जो है मैं अब इनको सबको एक साइड करके ना एक एक टमाटर लेके सारा मैश कर दूँगी उसमें। अभी तक मैंने ऑयल इसमें नहीं निकाला है, ठीक है। टमाटर मैंने इसमें मैश कर दिया है, तमाम टमाटर मैश करके ना अच्छे तरीके से एक मसाले के फॉर्म में हम ले आएंगे, ताकि उसका एक अच्छा सा ग्रेवी बने और इसमें प्याज नहीं पड़ता बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मसाला थोड़ा सा रेडी हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था, 1.5 टेबलस्पून किया था, थोड़ा कम यूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने इसकी भुनाई करनी है, ताकि लहसुन अदरक अच्छा सा स्मेल देने लगे, पक जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर इसमें मैं डालूँगी स्पाइसेस। स्पाइसेस भी बहुत हाई लेवल के नहीं, बस थोड़े से 2-3 स्पाइसेस हैं वो, बस वो डालूँगी सिंपल से। और तो फिर ये कढ़ाई आपकी रेडी हो जाएगी बिल्कुल ऐसी जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है। यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली है। अच्छा, मैं कढ़ाइयों में ना मेथी का यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत सारी मैंने इसे कढ़ाइयाँ खाई हैं बाहर, रेस्टोरेंट्स में भी खाई हैं, उसमें मेथी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, मतलब उसका ना जो फ्रेगरेंस होती है वो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं जो है ना, हालांकि मेरे पास पढ़ी हुई भी थी और सोच रही थी कि डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं डालती होती, तो बस मैं इसलिए नहीं डालती। वरना अगर आपको पसंद हो ना मेथी, तो आप लास्ट में मेथी भी, थोड़ी सी सूखी मेथी भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें डाला है कुटी हुई मिर्चें, सही है, हल्दी थोड़ी सी, और 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है। कुटी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने इसमें ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून डाला है बस। ये डाल के तो मैंने अच्छा सा इसका मसाला प्रेप कर दिया। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन हाफ कप डाला होगा, ठीक है, या हाँ हाफ कप ही डाला होगा, ज़्यादा नहीं डाला मैंने इसमें पानी। और मैंने इसको कवर कर दिया हल्की आंच पे, ताकि मेरी जो यहाँ पर चिकन है ना वो अच्छी तरीके से कुक्ड हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था, और इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला था मैंने इसमें, ठीक है। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी यहाँ तक कि ये जो है ना अच्छे से स्मेल देने लग जाएगा ना, तो फिर मैं इसको कूट लूँगी, मतलब ऐसा पीसना नहीं है, बस ऐसे ही मैंने इसको दरदरा कूटना है। देखिए यहाँ पर किस कदर अच्छा सा मज़ेदार सा मसाला बन गया है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था, और इसको जो है ना वो कूट लिया था, बहुत बारीक पीसा नहीं था,
ठीक है। और यहाँ पर मैं दही डाली हूँ, दही तकरीबन मैंने यहाँ पे ले लिया था 4 to 5 टेबल स्पून मैंने दही के लिए ली तो उसे फेंट ली थी। और अब मैं इसे स्टेज पे दही डाल के ना तो इसके थोड़ी सी भुनाई करके तो फिर उसको थोड़ी सी बस 5-6 मिनट जो है मैंने इसमें इसको दम दिया था, ठीक है। दही डाल के ना थोड़ा सा उसको रखा था, बहुत ज़्यादा मैं उसको नहीं रखूँगी क्योंकि दही ने अपना पानी छोड़ा था, वो थोड़ा सा पकेगा भी ज़ाहिर है। और चिकन तकरीबन पक चुकी है, ओवर कुक नहीं करनी चिकन को कि फिर वो रेशे उसमें हो जाएंगे ना तो फिर समझ लें सब सत्यानाश हो जाएगा, वो फिर अच्छी नहीं लगती दिखने में भी और खाने में भी ज़ाहिर है फिर वो अच्छी नहीं लगती। इसको मैं थोड़ा सा रखा है यहाँ पे, देखें चिकन अपनी वो 100% गल चुकी है लेकिन टूटी नहीं है, टूटने नहीं देना है यहाँ पर चिकन को। अच्छा यहाँ पे देखें मसाले किस कदर अच्छा सा प्रेप हुआ, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सुखा लें, मैं बस इतना ही रखूँगी, ठीक है। आप बिल्कुल जो है वो भुना भुना भी रख सकते हैं लेकिन मैं इस तरीके से रखूँगी। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हुई थी, मैंने यहाँ पर अदरक और हरा धनिया भी डाल के इसको गार्निश किया था, ठीक है। और तो बस इसको मैं डिश आउट करूँगी प्लेट में और आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत ही मज़ेदार शानदार उम्दा किसी ओरिजिनल शिनवारी कढ़ाई थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।